जो ये फीस जो हॉस्टल मैनुअल आया है, जो हॉस्टल मैनुअल आया है 28 तारीख को, ये एकदम ही रिग्रेसिव और मतलब कह सकते हैं जो डाउनट्रोडन पीपल हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, दलित बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए एकदम ये रिग्रेसिव है। उनके लिए पढ़ाई ये छोड़ना पड़ेगा अगर ये लागू हो जाता है अगले सेमेस्टर से, जैसा कि कह रहे हैं लोग कि लागू हो जाएगा। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग 28 तारीख से कर रहे हैं। वाइस चांसलर हमारी सुनने का मतलब नाम ही नहीं ले रहा, वो तो कभी हमसे मिलना ही नहीं चाहता। हमने जो JNU SU को हमने जो चुना है, हम लोग वो भी कह रहे हैं कि आप JNU SU से भी बात करिए, उनको भी कंसिडर करिए, तो उनको भी वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उनको भी बात करने के लिए ये राज़ी नहीं है। कल जो हुआ, जो हम लोग प्रोटेस्ट बाहर करने गए, हम प्रोटेस्ट क्यों बाहर करने जाएंगे? बेसिकली ये सरकार हमें सुनना नहीं चाह रही है, मतलब ये वाइस चांसलर हमसे बात करना नहीं चाह रहा, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए। और जो एक्सट्रीम ब्रूटेलिटी पुलिस ने कल की है, बहुत लोगों को मतलब कि एक्सट्रीम बहुत वो एक्सट्रीम कंडीशन में है। मुझे भी दो लाठी पैर में लगा, हाथ में लगा है। वो जो दो बार लाठी चार्ज हुआ है वहाँ पर जोरबाग में, एक बार रात में तो उन्होंने लाइट बुता के लाठी चार्ज किया है, स्ट्रीट लाइट जितनी भी थी उनको ये करे, और जो भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन थे उनको मारा गया है ब्रूटल तरीके से। तो ये जो मतलब बहुत ही, ये 2014 से जो ये गवर्नमेंट आई है तब से ये हेल्थ पर अटैक कर रही है, एडुकेशन पर अटैक कर रही है, और बेसिकली ये JNU पर अटैक कर रही है। क्योंकि JNU के सोचते हैं कि JNU एक अपोजिशन है, उनको अभी अपोजिशन कोई दिख नहीं रहा है। JNU से आवाज़ उठती है तो उनको लगता है कि ये JNU एक अपोजिशन, इसको ख़त्म कर देंगे तो सब कुछ मतलब ईजिली हम जो उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है वो पूर्णतः लागू हो जाएगा। हमें JNU सिखाता है क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाता है, लोगों से सवाल करना सिखाता है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट, जो मनुवादी गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि हमारी लोग सुने लेकिन लोग क्वेश्चन ना करें, इनका यही एक मोटिव है। और जैसे कि ये जो हॉस्टल मेन्यू लागू होगा, हम लोग तो 2500 मेस फीस देते ही हैं, वो तो पहले से ही हम लोग दे रहे हैं, और 1700 एक्चुअल चार्ज लिखा हुआ है यूटिलिटी चार्जेस। उसके अलावा हम लोग को मेस चार्जेस देना पड़ेगा, और उसके अलावा फिर हम लोग को जो वहाँ पर सैनिटेशन वर्कर, बात करते हैं बहुजनों की, दलितों की, तो दलितों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, जाता था, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन आज JNU में दलित शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आज उनकी फीस बढ़ा दी जाती है अचानक से, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं उनको फिर से उनकी शिक्षा बंद करने का कोई साजिश तो नहीं किया जा रहा? हाँ, एकदम ये चाह रहे हैं कि जो भी प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, जो प्रिविलेज क्लास के और अपर कास्ट के लोग हैं वहीं पढ़ें, और जो दलित लोग हैं, बहुजन लोग हैं, वो पढ़े ही ना। मेरा खुद ये है कि मैं दलित फैमिली से आता हूँ, हमारा अपना घर है नहीं, मैं बिहार से आता हूँ, आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ हमारा अपना घर नहीं है। मैंने 2016 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद दो साल मेरा गैप था, क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी कि मैं उसमें पढ़ सकता था, सब में 20 पैसा लगता। मुझे पता चला कि JNU एक ऐसा संस्थान है जिसमें हम सस्ते में पढ़ सकते हैं, तो ये मैं यहाँ पर आया। तो अगर ये ख़त्म कर दिया जाएगा तो हमारे लिए तो सब एडुकेशन संस्थान सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सिंपली इनका ये है कि जो दलित बैकग्राउंड से आते हैं, बहुजन बैकग्राउंड से आते हैं, उन पर ये बेसिकली अटैक है। ये चाह रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो हमारे मनुवादी गवर्नमेंट के मिनिस्टर कहते हैं कि हिस्ट्री ठीक से लिखा नहीं गया है, हिस्ट्री हम लिखेंगे, तो हम लोग जो दलित बहुजन बैकग्राउंड से आते हैं, इनको हमारे इतिहास से भी इनको लग रहा है डर है कि हम अपने इतिहास को हम अगर उजागर करेंगे, बाबा साहब के 22 वॉल्यूम को पढ़ेंगे, ज्योतिबा फूले को पढ़ेंगे, सावित्रीबाई फूले को पढ़ेंगे, नारायण गुरु को पढ़ेंगे, कबीरदास को पढ़ेंगे, तो इनको डर है कि ये लोग अगर ये पढ़ लेंगे तो ये मतलब क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, हिंदू जो राष्ट्र है उनका सपना जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो इनका सपना जो है ये कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता, जो कि बेसिकली हैं जो अपर कास्ट है वो इस फोल्ड में आते हैं, और जो दलित और बहुजन अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि हाँ कि हमारा ये इतिहास रहा है, तो वो हिंदू राष्ट्र में कभी भी ये भागीदारी नहीं करेंगे। तो इनका ये है, कल जो JNU के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था उन्हें बीच रास्ते में रोक के ही मारा गया, पीटा गया, तो हम जानना चाहते थे वास्तव में हुआ क्या था। देखिए, वास्तव में कल जो हुआ कि यहाँ से एक शांतिपूर्ण तरीके से निरस्त छात्र पीसफुली एक मार्च निकालने का, एक लॉन्ग मार्च निकालने का निर्णय लिए थे, कि क्योंकि एक लंबे अरसे से JNU में जो फीस है उस फीस को बढ़ाने का एक निर्णय लिया गया है यहाँ के प्रशासन द्वारा, जो देश भर में हर स्कूल और सरकारी कॉलेजों की फीस बढ़ रही है उसी के कतार में एक JNU को भी डाला जा रहा है, उसी के विरोध में एक पीसफुल मार्च निकालने का निर्णय लिया गया था। वो मार्च जैसे ही निकला तब भारी संख्या में CRPF और पुलिस उस मार्च को रोकना चाही, फिर बच्चों ने दूसरे रूट से संसद जाने का कोशिश किया, संसद का मार्च था, जब
उसी रास्ते पे बहुत सारे बच्चों को फिर डिटेन किया गया और डिटेन करके अलग अलग दिल्ली के, मतलब दिल्ली भी ही नहीं, बदरपुर बॉर्डर के बाहर भी थानों में रखा गया। इसको झेलते हुए फिर भी कुछ भारी, मैंने हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स फिर संसद के मार्ग जाने के लिए चल रहे थे, तो जोरबाग INA के क्रॉसिंग में फिर एक और राउंड उन पर लाठी चलाई गई और उनको INA से आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। बच्चे उनके हाथ में तो अस्त्र थे नहीं, तो ऑब्वियसली लाठी चार्ज होने के बाद बच्चों ने निर्णय लिया कि वो जोरबाग में ही बैठेंगे। जोरबाग INA में शांतिपूर्ण तरीके से जब बच्चे बैठे थे, तब फिर से लाइट्स, जो स्ट्रीट लाइट्स है, दिल्ली पुलिस ने अंधकार करके सभी लाइट्स को निभा के फिर उन पर एक और राउंड लाठी मारी और हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पर भारी लाठी चार्ज हुआ। अब इस तरीके से कल मतलब दो या तीन बार भारी संख्या में लाठी चार्ज स्टूडेंट्स पर किया गया जो पीसफुल थे, और किसी के हाथ में कोई हथियार, तो दिल्ली पुलिस खुद ही बोल रही है कि किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं था। देखिए जो बोला जाता है कुछ मीडिया वालों से, या मुझे लगता है ये मीडिया की भी बात नहीं है, ये सरकार की बात है जो अलग अलग चैनलों द्वारा बोली जाती है कि ये अय्याशी करते हैं, ये सब करते हैं। मैं उन सभी से बोलूँगी आप JNU में आके देखिए, क्योंकि ढाबे में बैठ के चाय पीना, अगर इस देश में अय्याशी का नाम दिया जाए तो अय्याशी की संज्ञा को बदलना पड़ेगा। इसके विपरीत फिर मैं पूछना चाहूँगी कि एक्चुअली अय्याशी क्या है? अगर ढाबे में बैठ के चाय पीना अय्याशी है, तो सरकार क्या चाहती है कि यहाँ पे बड़े बड़े होटल के जो या रेस्टोरेंट्स के जो ब्रांचेज हैं वो सारे खोल दिए जाए? वास्तव की बात है तो प्रशासन तो एक्चुअली इस टाइप का कोई एक प्रस्ताव दे चुका है, वो बोला है कि हमारे ढाबे बंद हो जाएंगे और यहाँ पे जो मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट्स हैं उनके आउटलेट्स खुलेंगे। बाकी सारे विश्वविद्यालय में आप देख लीजिए ऐसे खुल चुके हैं, नेस्कैफे है या अलग अलग प्राइवेट सारे कैफ़े हैं उनके ब्रांचेस खुल जाते हैं। वहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पीना क्या अय्याशी है, या ढाबे में बैठ के चाय पीना? तो अय्याशी की भी संज्ञा को किस तरीके से बदला जा रहा है? JNU के छात्र ऐसा क्या करते हैं जो मैं पूछना चाहूँगी अय्याशी है? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।